आगे बढ़ते हैं। संभल का मुद्दा संसद में भी गूंजा है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पहले दिन की तरह संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। संसद के दोनों सदन में भी अडानी अडानी और संभल हिंसा की गूंज रही। हाउस इन ऑर्डर, हर मुद्दे पर हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। संसद आज भी नहीं चल पाई। संसद में आज भी सही तरह से प्रश्नकाल नहीं हुआ। संसद में आज भी किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। वजह थी विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्ष ने यूपी के संभल में हिंसा का मुद्दा भी उठाया। स्पीकर ओम बिड़ला लगातार विपक्ष से शांति की अपील करते रहे, लेकिन हंगामा नहीं रुका। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। कामे और नारेबाजी के बाद लोकसभा और राज्यसभा को 28 नवम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने संसद के बाहर फिर दोहराया कि अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए। If Adani is going to accept the charges, which world are you living in, brother? Obviously he is going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. संसद में आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई, जिसमें सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में ये बैठक हुई, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। विपक्ष जहां अडानी और संभल के मुद्दे पर हमलावर रहा, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है, जो भी घटना संभल में घटी है, उसके बावजूद जिस तरह वीडियोस वायरल हुए हैं, जिस तरह सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देखने को मिला है कि सीधे गोली चलाई गई है लोगों पे, वहीं जहां पुलिस कह रही कि हमने गोली नहीं चलाई, तो अपने आप में सवाल चिन्ह उठाता है पुलिस वालों पे। लोग आज लोग संभलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मोदी सरकार अडानी शब्द से डरती है, इसलिए बार बार राज्यसभा संसद को एडजर्न करना, कार्यवाही ना करना, ये राष्ट्रहित में कभी नहीं हो सकता। प्रशासन कैसे माननीय न्यायालय का आदेश था उसको लेकर वहां पर जांच करने जा रहे थे, एक मोहल्ला पूरा घेर के हजारों लोग आके अब ईंट पत्थर जानलेवा हमला बंदूक हथियार तलवार लेके आएंगे, ये तो गलत बात है। विजुअल्स हैं भाई उसके, कहे सब लोग झूठ बोल। फिलहाल देश में अडानी और संभल मुद्दे पर सियासत गर्म, संसद में जमकर हंगामा हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस हंगामे की वजह से संसद का कामकाज ठप। अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।